मालिक हैं, जनता हमारा निर्विरोध चुने और हमारा जनता के ही देन है जो कि आज हम निर्विरोध चुनाए हैं। प्रतिनिधि के द्वारा बनाया गया प्रतिनिधि है तो प्रमुख जो बनी है अच्छी काम करेगी और बिना किसी के सपोर्ट के काम करेगी। हम लोग हमको कोई सपोर्ट की आवश्यकता उनको नहीं है, वो खुद काम करेगी और बहुत तेज तरार महिला है। देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज यहां पर 12 चट्टी का चुनाव, एक तरह से प्रखंड प्रमुख का चुनाव, ये बड़ा ही हॉट सीट बना रहा। और आज यहां पर क्योंकि गया के सांसद विजय मांझी की पत्नी यहां पर प्रमुख का चुनाव लड़ रही थी और वो विजय भी हुई। देखिए पूरी रिपोर्ट। शेरघाटी अनुमंडल कार्यालय में चल रहे प्रखंड प्रमुख के चुनाव के आज चौथे दिन बाराचट्टी प्रखंड प्रमुख चुनाव को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। वर्ष के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को हुए इस प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के नामांकन से पूर्व शेरघाटी के अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी अनिल कुमार रमन ने सभी पंचायत समिति सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके उपरांत हुए प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव को लेकर शेरघाटी SDO अनिल कुमार रमन ने बताया कि प्रमुख के चुनाव में देवरानी देवी निर्विरोध बाराचट्टी प्रमुख चुनी गईं। वहीं उप प्रमुख के चुनाव में 3 उम्मीदवारों के बीच हुए मुकाबले में 7 मत प्राप्त कर सोनावली यादव उप प्रमुख निर्वाचित हुए। प्रखंड प्रमुख चुनाव की प्रक्रिया के दौरान आज का जो चुनाव था वो मोहनपुर और बाराचट्टी का था, तो मोहनपुर पहले शिफ्ट में खत्म हो गई। अभी ये बाराचट्टी प्रखंड का हम लोग का हुआ है, जिसमें प्रखंड पद के लिए, प्रखंड में जो प्रमुख पद है उसके लिए देवरानी देवी जो निर्विरोध चुनाव जीत पाई हैं, जीत गई हैं, का नाम देवरानी देवी हैं जो प्रखंड प्रमुख बाराचट्टी के लिए है। दूसरा जो वो प्रमुख के लिए था इसमें बहुत क्लोज कंटेस्ट रहा है, 3 कैंडिडेट ने इसमें भाग लिया, इसमें इंद्रदेव यादव हैं, विपिन कुमार हैं और सोनावली यादव है। इसमें सोनावली यादव को सबसे अधिक मत, 7 मत आए हैं, जिन्होंने जिसको विजय घोषित। कितना मत आया सर? इसमें इंद्रदेव यादव को 3 मत, विपिन कुमार को 6 और सोनावली यादव को 7 मत आया। धन्यवाद, थैंक यू। बाराचट्टी के जयगीर पंचायत से पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित होने के बाद निर्विरोध प्रखंड प्रमुख चुनी जाने वाली देवरानी देवी गया के सांसद विजय मांझी की पत्नी हैं, साथ ही बाराचट्टी से जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी हैं। वहीं युवा उप प्रमुख सोनावली यादव काहूदाग पंचायत से पंचायत समिति चुनाव जीत कर आए हैं। उप प्रमुख के चुनाव में 3 कैंडिडेट थे जिसमें इंद्रदेव यादव को 3 मत मिले, विपिन कुमार को 6 मत और सोनावली यादव 7 मत प्राप्त कर उप प्रमुख बनने में कामयाब रहे। इस मौके पर सांसद विजय मांझी ने कहा कि नव निर्वाचित प्रखंड प्रमुख स्वयं सक्षम हैं और वो अपने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है और प्रतिनिधि के द्वारा बनाया गया प्रतिनिधि है तो प्रमुख जो बनी है अच्छी काम करेगी और बिना किसी के सपोर्ट के काम करेगी। हम लोग हमको कोई सपोर्ट की आवश्यकता उनको नहीं है, वो खुद काम करेगी और बहुत तेज तरार महिला है। सर, शेरघाटी को ज़िला बनाने की मांग बहुत दिन से चल रही है, अब आप MP हैं, अब प्रमुख भी आपके यहाँ, दोनों शेरघाटी अनुमंडल के अंतर्गत है, तो इसके लिए क्या इस खुशी के मौके इसमें हमारे को क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी स्वयं बोले हैं कि कहीं ज़िला बनेगा तो शेरघाटी उसमें पहला बनेगा। बधाई देने पहुंचे नेताओं ने फूलमाला से स्वागत किया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं। शेरघाटी के प्रखंड प्रमुख नरेश मंडल, जदयू नेता वारिस अली खान, सैयद जसीमुद्दीन, अकौना पंचायत के मुखिया किशोर मांझी, जदयू नेता तबरेज खान, सैयद कुर्रम, प्रमुख रसगुल्ला सिंह, पूर्व मुखिया रामलखन मांझी सहित बाराचट्टी से आए कई मुखिया, मुखियापति, जदयू नेता एवं नव निर्वाचित प्रमुख उप प्रमुख के समर्थक अनुमंडल कार्यालय में चुनाव की समाप्ति के बाद नव निर्वाचित प्रमुख देवरानी देवी और उप प्रमुख सोनावली यादव का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सर्वा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य जयराम प्रसाद, पूर्व मुखिया नंदकिशोर यादव,
काहूदाग के मुखिया मदन यादव, गणेश कुमार यादव, रेवा सिंह, दुखनी देवी, योगेंद्र यादव, राजू पासवान, रामरतन प्रसाद यादव, विपिन कुमार यादव, केडी यादव, चांद खां, कैलू मांझी आदि सैकड़ों समर्थकों ने जीत की खुशी में शामिल होकर बधाई दी। बारा चट्टी का चुनाव खास रहा क्योंकि गया के सांसद विजय मांझी की पत्नी देवरानी जी के प्रमुख बनने के बाद उनके समर्थक बड़ी संख्या में यहां पर वर्ष के अंतिम दिन जश्न मनाते दिखे। कैमरा पर्सन शाहिद अंसारी के साथ इमरान अली, शेरघाटी आजकल।